आई होप कि आप लोगों ने कल वाला वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने वोकैब के 30 वर्ड्स कराए थे और वो भी 8 या 7 मिनट में। तो आज हम वैसे ही रखेंगे इस वीडियो को, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और इसमें भी आज हम 30 वर्ड्स सीखेंगे नए, ठीक है। और आज ये वोकैब संजीवनी बुक का 106 नंबर पेज है जिसमें हम लोग लॉजी मतलब टू स्टडी के बारे में सीखेंगे, मतलब डिफरेंट तरह के स्टडीज़ वगैरह हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चल जाते हैं यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ पेन का कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि साइंस ऑफ द ऑरिजिन्स एंड सोशल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस, मतलब इंसानों के बीच में जो आपसी संबंध है, इंसानों के बारे में जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड भी कह सकते हैं, ह्यूमंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट करते हैं एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट एट हैविंग कॉज्ड ट्रबल, मतलब हम लोग किसी से अगर हम लोगों से अगर कोई गलत काम हो जाए तो हम उसके लिए एपोलोजाइज करते हैं, ठीक है। एपोलोजाइज हम लोगों ने बहुत बार सुन रखा है, तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज़ को लेके हम लोग रिग्रेट फील कर रहे हैं और हम लोग उसके कारण माफ़ी मांग रहे हैं, तो वही है एपोलॉजी, एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ठीक है। अभी दूसरा क्या है, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी देख लिया है कि हम लोगों ने इससे पहले जान लिया है कि एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग साहित्य की चीज़ें मतलब प्राचीन चीज़ों के बारे में लिख के रखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आर्कियोलॉजी, यहाँ पे क्या है कि ये भी एक एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि लोगों के बारे में, पुराने ज़माने के लोगों के बारे में हम लोग जिसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज़ प्री हिस्टोरिक पीपल, मतलब प्राचीन समय के लोगों के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, ये क्या है आर्कियोलॉजी। अभी क्या है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी पता है कि हम लोग आउटर स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में हम लोग जानते हैं इसमें। तो क्या है, डिवाइनेशन बाय द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स एंड सन एंड मून, मतलब जो हम लोग जो आउटर स्पेस के चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं यही क्या है हमारा एस्ट्रोलॉजी। फिर क्या है बायोलॉजी, बायोलॉजी तो हम लोगों को पता ही है, द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीव, बायोलॉजी का हिंदी क्या है, जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव के बारे में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, वो क्या है हमारा बायोलॉजी, ठीक है। हाँ तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 7 नंबर, ये क्या है क्रोनोलॉजी। आप लोगों ने एक मीम बहुत सुना होगा कि क्रोनोलॉजी समझते हैं क्या, तो उसमें क्या बोला गया है, क्रोनोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो क्रोनोलॉजी क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम, मतलब समय के साथ बहुत सारे चीज़ों को एक के बाद एक रखना, ये क्या होता है क्रोनोलॉजी, ठीक है। फिर क्या है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी तो कार्डियो मतलब पता ही है कि हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या बोला है, द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिजीजेस, मतलब जो हार्ट के बारे में, हार्ट मतलब दिल, दिल के बारे में जो स्टडी होता है जिसमें उसके काम के बारे में, उसके बीमारियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं कार्डियोलॉजी। फिर क्या है डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी मतलब स्किन से रिलेटेड है, तो ये क्या है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिजीज, मतलब जो हमारे स्किन का जो अलग अलग प्रकार का जो रोग वगैरह होते हैं उसके लिए जो स्टडी होता है वो क्या है डर्माटोलॉजी। फिर क्या है इकोलॉजी। इको मतलब इन्वायरमेंट, तो इको क्या है, द इन्वायरमेंट एज इट रिलेट्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवित चीज़, हम लोग जो जिस वातावरण में या जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं उसके बारे में जो स्टडीज होता है उसे क्या कहते हैं इकोलॉजी। फिर क्या है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है कि एंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट, ठीक है। तो अभी इंसेक्ट के बारे में जो पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा उसे क्या बोला जाएगा एंटोमोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है एंटोमोलॉजी, मतलब द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज इंसेक्ट्स, मतलब जूलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इंसेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्या है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या होता है कि ये जो हमारे बीमारी वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब एपी क्योर, हम लोग क्योर समझते हैं कि किसी भी बीमारी को ठीक करना क्या होता है, क्योरिंग होता है उसको। तो ऐसे यहाँ पे बोला है साइंस डीलिंग विद द ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, मतलब महामारी विज्ञान, मतलब बहुत ज़्यादा अगर बीमारी फैल जाए उसे कैसे कंट्रोल हम लोग करेंगे उसके बारे में जो स्टडीज़ होता है उसे क्या कहते हैं एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, ये क्या है द फिलोसॉफिकल थियोरी ऑफ नॉलेज, मतलब जो हम लोग ज्ञान जो मिलते हैं, तो एक्चुअल ज्ञान क्या है, जो फिलोसॉफी हम लोग पढ़ते हैं इंसान के दिमाग के बारे में जो हम लोग समझते हैं, ये सब इसका स्टडी है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं
एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ थियोलॉजी दैट इज कंसर्न विद फाइनल थिंग्स। मतलब मरने के बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, मरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में जो स्टडीज होता है इसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एथनोलॉजी। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी डीलिंग विथ डिविजन्स ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति विज्ञान। मतलब हम लोग इंसान के जाति के बारे में हम लोग जो स्टडीज करते हैं ये क्या है? एथनोलॉजी। ठीक है, फिर क्या है? एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या होता है? द कॉज ऑफ अ डिजीज, किसी भी बीमारी का कारण के रिलेटेड जो स्टडीज वगैरह होता है इसे क्या कहते हैं? एटियोलॉजी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? 17 नंबर, एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी होता है अ हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड, मतलब किसी भी वर्ड का हिस्ट्री, जड़ कहाँ से वो वर्ड आया है, इसके बारे में जो स्टडी होता है वो एटीमोलॉजी या एटीमोलॉजी कहा जाता है उसे। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत समय देखते हैं कि एटीमोलॉजिकल मीनिंग मतलब क्या है, उसका हम लोग जो बंगाली में बोलते हैं आक्षरिक अर्थ। ठीक है, मतलब उसका मेन रूट कहाँ से, उसका मीनिंग क्या होता है, वही होता है एटीमोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्या है? जेनियोलॉजी। जेनियोलॉजी क्या है? द स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंसेस्ट्री एंड फैमिली हिस्ट्री। मतलब किसी भी परिवार के एंसेस्टर कौन थे, मतलब उनके उसके पुराने वंशज कौन थे, मतलब कहाँ से वो आए हैं, इसका जो स्टडी है वो क्या कहलाता है? जेनियोलॉजी। फिर क्या है? जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी होता है कि जेरोन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है एजिंग से रिलेटेड। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोगों को जेरोंटोलॉजी, मतलब बहुत स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, मतलब उम्र के बारे में जो स्टडी होता है कि आप इस उम्र में जाके ऐसा करेंगे, उस उम्र में जाके आपका क्या हो सकता है, इन सब बारीक चीज़ों के बारे में जो स्टडी होता है उसे जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। फिर क्या है? जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के बारे में जो स्टडी होता है, पृथ्वी के इतिहास के बारे में, भूविज्ञान जिसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है भूविज्ञान या भूगर्भ शास्त्र, तो भूविज्ञान के बारे में जो स्टडी होता है वही कहलाता है जियोलॉजी। ठीक है, आज के वीडियो के लिए यही 20 वर्ड है जो हम लोगों ने लगभग 7 या 8 मिनट या शायद 6 मिनट होगा, 6 मिनट के अंदर हम लोगों ने सीख लिया है। तो आज के ये 20 वर्ड और कल के थे 30 वर्ड। ठीक है, टोटल हम लोगों ने 2 दिन में 50 नए वर्ड सीख लिए हैं। तो हम लोग अगर ऐसे चलते रहे तो हम लोग 7 दिन के अंदर 350 से 400 वर्ड हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो बस आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट मैं कितने सारे वर्ड्स कराऊँ। ठीक है, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।